आज हम एक बहुत ही सुंदर एक मकड़ी के जाल जैसा बिनाई करेंगे। इसके लिए आपको एक एल्युमिनियम का रिंग चाहिए और साधारण टोरा चाहिए। पहले एल्युमिनियम के रिंग पे आप 8 बराबर दूरी पे मार्क बनाएं और वहाँ पे थोड़े से खांचे भी बना लें और फिर साधारण धागे को सबसे पहले एक खांचे के अंदर बांध दें। देखिए खांचा ज़रूरी है, नहीं तो धागा फिसलेगा। उसके बाद में ये देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे लगा करके पहले आप डोरे को बाहर निकाल लें तो इससे एक एक रेखा जैसे तन जाएगी और इसको जब अगर आप 8 बार दोहराएंगे तो बिल्कुल एक ऑक्टागन या अष्टभुज बन जाएगा और ये देखने में बिल्कुल सिमेट्रिक दिखेगा और बहुत ही सुंदर एक नमूना बनेगा इसका। अभी देखिए एक पूरा चरण पूरा हो गया हमारा, अष्टभुज बन गया। उसके बाद में एक हम जो रेखा है उसके बीच में गांठ लगाते हैं और फिर साधारण बुनाई, ऊपर से डाला नीचे से निकाल दिया, ऊपर से डाला और नीचे से निकाल दिया। और ये जब चक्कर पूरा होता है फिर एक बार हमको देखिए ये अलबेट वाली गांठ लगानी होती है और यहाँ पर जो रेखा है उसमें एक गांठ लगाते हैं और फिर आप दोबारा साधारण बिनाई करते रहिए। ऊपर से डालिए, नीचे से डोरा निकालिए और हर बार उसको तानना ना भूलिए। इससे धीरे धीरे करके एक बहुत ही सुंदर एक नमूना इमर्ज होगा। देखने में बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसा लगेगा पर वो इतना सिमेट्रिक होगा कि आप उसको बस निहारते ही रह जाएंगे। अब ये देखिए हम किस तरह से यहाँ पर एक गांठ लगा रहे हैं और जो ये जो रेखा होगी उसमें भी मध्य में एक गांठ लगाएंगे और फिर बिनाई का काम चालू रखेंगे, बस ऊपर से डाल के बाहर निकालना। और इस प्रक्रिया को आप तब तक जारी रखिए जब तक आप बिल्कुल इस रिंग के मध्य में ना पहुंच जाएं। अभी जैसे कैमरे का अपर्चर होता है वो धीरे धीरे करके छोटा हो रहा है, वो वैसे ही करके यहाँ पर भी हमारा अपर्चर डोरे का भी जो बीच वाला गोला है वो धीरे धीरे करके छोटा हो रहा है। अंत में आप इसको अंत कीजिए, एक गांठ लगाइए और ये देखिए हम थोड़ा सा काट देंगे इसको और बाद में एक पक्की गांठ लगा देंगे जिससे कि हमारा ये पैटर्न खुले नहीं। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड हैं उनको तराश करके देखिए सिर्फ एक डोरे का कितना सुंदर खूबसूरत निहारने लायक नमूना है ये। और ये ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए रिंग ही उपयोग करें, कोई भी गोल वस्तु आप ऊन का बनाएंगे तो अलग अलग रंग उसमें बिल्कुल 4 चांद लगा देंगे ऊन के। आप यहाँ पर देखिए एक हॉकिंस कुकर का एक डब्बा है आलू उबालने का, इसमें वैसे ही 6 छेद हैं तो ये षडभुज पे आधारित है नमूना। आप चाहें तो पुरानी बोतल, ये 2 लीटर की कोक की बोतल है उसको ऊपर से काट दीजिए, इस कचरा बोतल का कितना सुंदर इस्तेमाल है ये। और अगर आपने उसमें मोती लगा दिए तो इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग जाएंगे।